यज्ञं पष्टु धिया वसुः या कुन्देन्दु तुषार हार धवला शुभ्र वस्त्रावृता या ताली बजाने के लिए समय की बिल्कुल कमी नहीं है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि चौथे धर्म धर्म सम्मेलन की शुरुआत पर वो आप सभी को संबोधित करें। मंचासीन श्रद्धेय ठहरो जी, श्रद्धेय शास्त्री जी, श्रद्धेय भट्ट जी, हमारे मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा जी, राजेश गुप्ता जी और यहाँ पधारे हुए मेरे सभी श्रद्धे विद्वगण, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं जो सोचता हूँ सरकार के बारे में सदैव यही सोचता हूँ कि अच्छी सरकार वो है जो अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद अलग अलग विषयों पर जो निष्कर्ष निकले यथासंभव उन निष्कर्षों को जमीन पर फिर उतारने की कोशिश करे, क्योंकि बुद्धि का और अकल का पूरा ठेका मुख्यमंत्री मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं होता। अलग अलग विषयों पर सोचने वाले देश में और दुनिया में बहुत विद्वान हैं और इसलिए आप लोगों ने हमेशा यह प्रयास किया है कि जनता से जुड़ा हुआ भी कोई फैसला लेते हैं तो समाज के उस वर्ग को बुला के उससे चर्चा और बातचीत करते हैं। ये धर्म धम्म सम्मेलन मध्य प्रदेश में एक अपना एक अलग स्थान बना चुका है और अब आज जो विषय है धर्म और लोक नीति, ये सचमुच में बहुत प्रासंगिक है। धर्म आखिर है क्या? अभी तो परिभाषाओं पर शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस चल रही, विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन संचालिका महोदय भी संचालन करते करते उन्होंने धर्म की एक बड़ी सरल परिभाषा जो तुलसी बाबा ने बताई थी जन सामान्य के लिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई। महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा था दूसरों की भलाई करने से, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और अधर्म पाप क्या है, तो उन्होंने कहा कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं मानता हूं कि धर्म की इससे सरल और सुंदर व्याख्या कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, जो दूसरों को आनंद दे, जो दूसरों को प्रसन्न करे। और आनंद की और सुख की परिभाषाएं भी अलग अलग, सुख कुछ तात्कालिक होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं
कई बार उनको ही सुख मान के उस मृग मरीचिका में अगर व्यक्ति भटक गया तो अंततः उनको फिर घोर दुखों का सामना करना पड़ता है। सुख से एक अलग परिभाषा है आनंद की। धन व्यक्ति को सुखी करे ये जरूरी नहीं, पद व्यक्ति को प्रसन्न करे ये तो है ही नहीं। आनंद उससे परे की एक अलग चीज है। और जब मध्यप्रदेश सरकार ने एक प्रयोग किया है, अपने यहां बाकी कई विभाग थे, हमने एक आनंद विभाग भी बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। लोगों की जिंदगी में आनंद कैसे आए, अब विस्तार से विवेचन का समय आज मेरे पास नहीं। मुझे एक धर्म का निर्वाह करने दिल्ली जाना है, लेकिन धर्म के बारे में आप विस्तार से, धर्म और लोक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्य धर्म है, महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। अहिंसा धर्म है, अस्तेय धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, जो दूसरों को आनंद दे वही धर्म है, शांति धर्म है, स्नेह धर्म है, प्रेम धर्म है, आत्मीयता धर्म है। अब धर्म के और कई स्वरूप हो सकते हैं, धर्म के जो 10 लक्षण बताए और अलग अलग मैं धर्म नहीं करूंगा उपासना पद्धतियों में, क्योंकि कई बार बहुत तकलीफ होती है कि जो धर्म शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने वाला उस धर्म के नाम पर ही दुनिया में सबसे ज्यादा खून बहाया गया है और आज भी सबसे ज्यादा खून बह रहा है उसी धर्म के नाम पर। लेकिन हमारे यहाँ का वो धर्म नहीं है, वो उपासना पद्धति है। ईश्वर को मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में जाकर यही कहा था, जब सब ये कह रहे थे कि मेरे धर्म श्रेष्ठ है, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे विचार को मानता हूं, ऐसे देश से आया हूं जो ये कहते हैं कि उस परम एकम सत विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, किसी भी रास्ते जाओ अंततः पहुंचोगे उस परम पिता परमात्मा तक। इसलिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक है, मंजिल एक, एकम सत विपरा बहुधा वदंती। और शायद ये भारत है जिसने आज ये हजारों साल पहले कहा अयम निजम परावेत्ति गर्दा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम्। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, और सारी दुनिया का मतलब केवल मनुष्य मात्र नहीं है, दुनिया में जीव जंतु भी है, पशु पक्षी भी है, कीट पतंगे भी है, पेड़ पौधे भी है, नदियां समुद्र भी है, पर्वत पहाड़ भी है, और इसलिए वो सब मिलके ही वसुदैव कुटुंबकम बनते हैं। और इसलिए लोक नीति ऐसी हो जो इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, सरकार भी ऐसी हो, लोक नीति भी ऐसी हो जो धर्म की मतलब अच्छी चीजों की जय की नीति बना सके, बुराइयों का नाश करने में सहयोगी बन सके, प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण के भाव को और पुष्ट कर सके। The third facet of dharma is that it is by following dharma there can be material prosperity. So dharma is therefore sadhak as well. Yato abhyudaya nishreyasa siddhi sadharma. Dharana dharma ityado is one. Yodhana lakshana dharma it is another. Research that there is a sah astitva. We have to have coexistence. And for enhancement of our potential, spread to sense, but more to politicians, rich people. Our entire psyche has, in fact, become perverted. The point, therefore, is that we have to give a dharmic orientation, but inauthority was subservient to an authority. In present times, we have legislature, we have two cosmic disturbance. The cosmos is orderly,
Vedic seers always insisted that no. Because they are having the overpowering influence. So, in earlier times, a king was enthroned only when initially he or she was a Yuvaraj. And it was given full training in dharma, apart from other education, both in paravidya as well as aparavidya.